हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स 4 के मल्टीपल पे चलता है और 18 रो का ये डिज़ाइन है, 18 सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल इतने 18 रो हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 18 रो हैं। इन्हीं 18 रो को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है और ये हमारा डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी सा सिंपल सा डिज़ाइन है। देखिए इसका बैक साइड ये ऐसा दिखेगा और ये इसका फ्रंट साइड सीधी तरफ से ये ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं कैसे बनता है ये डिजाइन। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस पे डाले हैं टोटल 20 फंदे, 4 के हिसाब से हमने फंदे रखने हैं। मैंने इस पे 20 फंदे डाले हैं। देखिए हमारा ये डिजाइन सीधी तरफ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हमने सरकाया, एक फंदा हमने बुनना है। देखिए उल्टा, एक फंदा हम बिना बुने स्लिप करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे बिना बुने, पल वाइज स्लिप करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमने स्लिप करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। एक स्लिप करेंगे और एक बुनेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने पूरी रो बुननी है। फर्स्ट रो एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, एक स्लिप करना है, एक उल्टा बुनना है। देखिए एक फंदा स्लिप किया, लास्ट का जो फंदा बचेगा वो उल्टा। फर्स्ट रो हमारी इस तरह से ओवर होगी। अब देखिए सेकंड रो बैक साइड, पहला फंदा स्लिप किया, बाकी हमने बैक साइड से पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुननी है। सारे फंदे बुनने हैं और उल्टे उल्टे बुनने हैं। सेकेंड रो हमारी पूरी उल्टी उल्टी, ये देखिए। अब देखिए थर्ड रो, थर्ड रो पहला फंदा सरकाया, पहली बार हमने ये फंदा बुना था, अब की बार हम इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे। जब हमने फर्स्ट रो बुनी थी, थर्ड रो पे हमने इस फंदे को बिना बुने स्लिप करना है और इस फंदे को बुनना है उल्टा। अगेन हमने एक स्लिप करना है, एक उल्टा बुनना है, एक स्लिप करना है और एक उल्टा बुनना है। पूरी रो थर्ड हमारी इसी तरह जाएगी, लास्ट का फंदा हमारा बुना जाएगा। लास्ट का फंदा उल्टा बुना, थर्ड रो हमारी ओवर होती है। अब हम आ गए फोर्थ रो, फोर्थ रो हमारी बैक साइड हर बार उल्टी उल्टी ही आएगी। जब हमारा ये वाला डिजाइन चल रहा होता है तो बैक साइड में उल्टा आता है, और जब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे तब हमारा उस पर उल्टा सीधा आता है। डिजाइन जो नीचे वाला डिजाइन है उसके पीछे से हमने उल्टा बुनना है। पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुनते हुए ही ओवर करनी है। देखिए हमारी फोर्थ रो पूरी उल्टी उल्टी। फ्रेंड्स देखिए फोर्थ रो भी हमारी ओवर हो चुकी है। अब देखिए हमने फिफ्थ सिक्स सेवेंथ रो हमने जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो बुनी थी उसी तरह से बुननी है। 4 सिलाई और बुननी है, 4 हम बुन चुके हैं। अगेन हमने 4 सिलाई उसी तरह से बुननी है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो बुनी थी। उतना बुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स देखो मैंने इस पे टोटल 8 रो बुंदी है। वैसे ये तो 10 रो का है, अगर आप चाहो तो 10 रो भी बना सकते हो और 8 रो भी इस पे बना सकते हो। देखिए मैंने इस पे 8 रो बनाई है। अब देखिए हमारा ये वाला डिजाइन पड़ेगा, इसे कैसे बुनना है। देखिए पहला फंदा तो हम इस तरह से स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एक फंदा हमने सीधा बनाना है। पूरी रो हमारी इसी तरह जाएगी, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हमारा सीधा, 3 फंदे उल्टे। देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है।
देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है दो फंदे हमारे सीधे, एक हमारा एज स्टिच है, ये हमारा डिजाइन का फंदा है। देखिए अब हमारी नाइन्थ रो, देखिए सॉरी टेंथ रो है, ये टेंथ रो, एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे। जो हमने यहाँ पे उल्टे बुने हैं इन्हें हमने बैक साइड से सीधा बनाना है, तीन सीधे एक उल्टा, अगेन तीन सीधे और एक उल्टा, एक दो तीन सीधे और एक उल्टा, तीन सीधे, लास्ट में हमारे दो फंदे बचेंगे, इन्हें हमने उल्टा बुनना है। देखिए हमारी 10 रो पूरी हो चुकी है। अब देखिए अब इन दो जो नाइन्थ और टेंथ रो हैं इन्हीं को ही हमने रिपीट करना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 8 रो हमने इसी तरह से बनानी है नाइन्थ और टेंथ रो की जैसे। तो फ्रेंड्स इतना बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी। देखो फ्रेंड्स मैंने टोटल 8 रो और बुन चुकी हूँ इसके ऊपर से। अब ये देखिए डिजाइन इस तरह से दिखेगा। फिर से हमने फर्स्ट रो से रिपीट करना है और ये हमारा डिजाइन बार बार रिपीट होते हुए इस तरह दिखेगा। देखिए अगर हम बार बार इसी को ही रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, इजी है, आप जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय।